हाँ भाई, क्या चल रहा है? बिग बॉस, बिग बॉस वाली मैं अज्ञानी पे बात करके आ चुका हूँ। देखना हो नेजी और कटारे की फाइट के बारे में, वहाँ पे जाके देख लेना। बाकी यहाँ पे हम बात करेंगे मुनव्वर के साथ। मुनव्वर बैक इन एक्शन। अरे पता मुझे भी था, तुम कमेंट करके बता भाई खेल के प्रीमियर में गया। पता है मुझे, उसी दिन पता था मेरे को जिस दिन गया था। वीडियो आ जाती है मेरे पास। बट सर एक न्यूज़ पर टाइटल थोड़ी बना हुआ यार। मैं अभी मैंने उसमें भी मुनव्वर के बारे में बात करी, बस टाइटल में नहीं डाला मैंने, क्योंकि वो छोटी मोटी न्यूज़ होती है, क्या बात करूँ। अभी देखो ब्लॉग आ गया मुनव्वर भाई का दुबई का। अभी कोलकाता में है, ये कोलकाता की क्लिपिंग है। ये पहला शो कंप्लीट हो गया, अभी दूसरा शो भी होगा कोलकाता में। मैं कहा दिल्ली आ जाओ, फरीदाबाद आ जाओ, कहीं तो आओ। कोलकाता यार बहुत दूर है, अभी कोलकाता दूर तो नहीं है मेरे लिए। हाँ, और ये आया ही आया। फिर मेरे को एक और क्लिप मिली जहाँ पे दुबई में शॉपिंग कर रहे हैं, मसाज करा रहे, मेडिक्योर पेडिक्योर। अरे जो तभी कर रहा हूँ, पता नहीं कोई है बंदा ये दुबई का ब्लॉगर है तो उसके साथ ब्लॉगिंग आई है। अभी तक मैंने पूरा देखा नहीं, बट छोटी सी क्लिप मैं बजा ही दूंगा। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ ऐसे ही होता है। I'm loving Dubai. It's my first time. I'm going shopping everywhere, and the jet ski was pending. She met me last time. He's a very good guy. He called me for dinner. And what a dinner, bro! It was like his favorite place, and it was beautiful and tasty food. We had dinner, and today jet ski. Indian? I'll say Indian. You'll say dinner. Okay. I think it's a 10 लाख रुपीज़ इंडियन। मेरे को लगा दूसरा वर्जन होगा, कहेगा हंडा दूसरा वर्जन है सालों ने, सेम गाने की म्यूजिक वीडियो बनाएंगे बस। और मैं अभी भी वही सोच रहा हूँ कि तू को इतना पीटा इतना कूटा तो गोली क्यों नहीं मारी, क्योंकि पार्ट टू आएगा इसका, कहते टू भी कंटिन्यूड। मैं कहा ये क्या बात है यार, अभी कटा रहे और उसकी लड़ाई हुई ना, उसके सारे दोस्त आ गए। अभी पता नहीं वो बंदा अभी आ गया जो पुलिस के रोल करता है उसके शो में, YouTube वीडियोस में। दोस्तों मैंने अभी अभी बिग बॉस देखो, नेजी की और कटारिया भाई की आपस में लड़ाई होगी। हालांकि बिग बॉस में लड़ाई हो जाए कोई बात ना, लेकिन यू नेजी क्या कहता है, चल भाई गांव के गवार जाके भैंस चरा और दूध निकाल। चल ठीक है भाई, हम गांव के हैं, भैंस भी चराएंगे, दूध निकालेंगे और नाज उगाएंगे। ठीक है, तू मत तो नाज खा, मत भैंस को दूध पी। हालांकि तू कहां भैंस को दूध पीता होगा, तू थैली को दूध पीता होगा, जैसे जैसे तेरा दिमाग है, जैसी तू बात करे है ना। देख गांव के लोग इज्जत करने में कभी कमी नहीं छोड़ते, उन तर पंगा मत ले भाई, तमीज में रह। ठीक है, तभी कमीज में रहेगा आगे भाई, तेरी समझ में हिसाब तरह। गांव के लोग इनके बारे में ऐसे मत बोला, खासकर जो लोग लव कटारिया ना भाई हमारो। मैं कहा एलविश भाई मत किया करो, ये सब सांप के जहर वाले नशे हैं, इसके साइड इफेक्ट हो रहे हैं सब। पहले कहां राजस्थान में मारा था एक को थप्पड़, फिर मैक्सन को मार दिया, अभी ओपनली धमकी दे दी साई केतन को, अभी फिर नेजी दबा से पंगे ले रहे हो। अबे नेजी दबा छोटा आदमी थोड़ी है यार वो। बाकी अगर मैं बात तो नहीं करूँगा लड़ाई के बारे में, उसके लिए तो मैं ज्ञानी पे ही देखना पड़ेगा। तो ये सब मेरे को बोलना पड़ रहा है क्योंकि उन्होंने ट्वीट किया, अपना उनका गाना आया हुआ है। गाना तो वैसे ही है, गाना अच्छा है एक्चुअली, मेरे को गाना बहुत पसंद है। वो म्यूजिक वीडियो जो है मेरे को पल्ले ही नहीं पड़ी, 9 घंटे पहले, 0 समय पहले, अरे बंदूक से गोलियां मार रहा है, बाद में मरा पड़ा है। अरे बीच में हुआ कुछ तो हुआ होगा ना, वो तो बताओ। और गाने की बात करें तो यूके भाई ने ड्रामा शुरू कर दिया, कलेश मचा दिया। यूके भाई के वो है ना अपने वैज्ञानिक जी, पता नहीं कौन है। अरे भाई ये जो गाना था सिस्टम 2.0 जब बिग बॉस में थे भाई, तो जोकर भैया नहीं अपने एल्विस भैया जो सपोर्ट में बनाया था गाना, उस बंदे जिस बंदे ने लिखा बनाया गाया उसका क्रेडिट ही खा गए कहते हैं टेक्निकल एरर है। मैं चल ना झूठे, मतलब मैं वो बंदा हूँ जो क्रेडिट में मानता ही नहीं है। जिसको मेरा गाना यूज़ करना कर लो, कैड देना दो, मत देना मत दो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा गाना शौक है, मैं इसलिए बनाता हूँ, और कोई रीज़न नहीं है मेरे लिए। बट अगर कोई दूसरा मेरे साथ काम करे मैं फुल टू क्रेडिट देता हूँ। हमारे गाने में तो आज तक ग्लिच नहीं आया, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। इसके अलावा क्या हीना खान ने बाल कटवा लिया, उस पर सारे इमोशनल हो गए। अरे उसको कैंसर निकल आया था ना, तो उसी पे उसको बाल कटवाने पड़े, कीमोथेरेपी करवाती है, पता नहीं क्या सीन था, पर बाल काटे उसने तो वो इमोशनल हो गई, फिर पूरा इंटरनेट सपोर्ट में आ गया। और मेरे को
हीरा खान से कोई प्रॉब्लम तो है नहीं. अच्छी बंदी है, स्ट्रांग ओपिनियन रखती है, इंडिपेंडेंट वूमन है. सो गेट वेल क्यों नहीं बोल सकता हूँ मैं तो, और क्या ही बोलूँ. बट न्यूज वाले लगे पड़े कि इमोशनल. अरे होने वाली बात है, बीमारी आती निकली उसको. हाँ, इसके अलावा क्या है, इसके अलावा वो विक्ट्री परेड होनी थी मुंबई में, तो वो हो गई. ओ भाई साहब क्या नज़ारा है. तुम मुनोवर मुनोवर करके भीड़ में खुश हो रहे थे. वो देखो इंडिया जीत के T20 वर्ल्ड कप पूरा भाई चक्का जाम कर दिया. मोदी जी पहुंचे वानखेड़े स्टेट, वानखेड़े पहुंचे वो पता नहीं कहीं पहुंचे टीम के साथ थे. बट इसमें कल ये पता क्या हुआ कि कुछ जर्नलिस्ट जो प्लेन में उनके साथ थे वो ट्रॉफी के साथ फोटो खिंचाने लग गए. बट मोदी जी जब थे, मोदी जी ने ट्रॉफी नहीं छुई. बाकी जो रिप्रेजेंटर्स थे स्टार स्पोर्ट्स वाले या जियो वाले, उन्होंने भी ट्रॉफी नहीं छुई. रिस्पेक्ट दिया कि भाई तुम्हारी हाथ मेहनत है, हार्ड वर्क है, तुम ही रखो. तो ये जर्नलिस्ट कौन हो गए जो प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं, तुम्हारी क्या मेहनत है, तुम तो सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज करते हो. और ये हिपोक्रेट लोग कल तक हार्दिक पांड्या के पीछे पड़े थे, कुत्ता भागता था हार्दिक चिल्लाते थे, आज जीतवा के आया है तो भाई सब के सब फैन है सिवाय उसकी बीवी के. पता नहीं क्या चल रहा है इन दोनों के बीच में. अरे इंडिया छोड़ो, ये विक्ट्री परेड पे अभी पता नहीं था, ह्यूज जैकमैन क्रिकेट का फैन है तो उसका कोई इंटरव्यू चल रहा था, तो वहां पे कोई इंडिया से गया था तो उससे पूछा भाई आप क्रिकेट के फैन हो, आपको इंडियन टीम में कौन पसंद है. भाई ने पता क्या बोला, हिटमैन. इसके बाद जाकिर भैया भी आ गए. जाकिर भैया बोले ये जो सेलिब्रेशन के मीम्स बना रहे हो ना, एडिट बना रहे हो, बनाते रहो. मैं ये कह रहा था कि ये जो चार दिन से जो चल रहा है दिन भर, जो ये इंडिया जो वर्ल्ड कप जीती है उसके एडिट आते रहते हैं और मतलब पूरा पूरा दिन ही उनको देखने में जा रहा है. फिर अभी आज जो भव्य स्वागत हुआ है उसका भी सुबह से मैं न्यूज वगैरह देख रहा हूँ मैं, और दिन भर मतलब यही चलता रहता है. तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि और बनाओ और दिखूंगा मैं, मेरी है कैपेसिटी, मैं अगले 2 महीने यही देख सकता हूँ. एडिट बनाने वालों हाथ रुकने नहीं चाहिए, मैं देखना चाहता हूँ. मैं 2003 का जलावा हूँ, मैं 2019-2023 सबका जख्म लेके जी रहा हूँ. मैं बता नहीं सकता मेरी क्या हालत है, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है. जितने एडिट बन सकते हैं सब बनाओ. मुझे हार्दिक पांड्या, बुमराह, विराट कोहली, सिराज, चहल, मैं कह रहा हूँ रिंकू सिंह को नचवाओ यार. एडिट बना के मुझे देखना है, मैं देखना चाहता हूँ, चलता रहना चाहिए कार्यक्रम. ऑल द बेस्ट. हाँ, बाकी वीआर न्यूज में पता क्या मिला मेरे को, रोबोट ने सुसाइड कर लिया. जो थोड़ी कर रहा हूँ, ऐसी खबर आई है. कहाँ की खबर आई है, साउथ कोरिया से खबर आ रही है कि वहां पे कोई सिविल वर्क के लिए रोबोट था, वो काम करने में इतना मतलब परेशान हो गया 9-9 घंटे की शिफ्ट से कि उसने सीढ़ी से खुद को धक्का मार लिया. लोग कह रहे सुसाइड अटेम्प्ट किया इसने, सुसाइड. अबे जोक नहीं कर रहा, रियल नहीं हो गई ये. अरे मैं कह रोबोट छोड़ो, इंसान भी कुछ अलग नहीं है भाई, कुछ भी कह रहे हैं. अभी किल मूवी आई है तुम्हें मालूम है, वो इंडियन जॉन विक बनेगी. बहुत भाई ट्रेलर से ही पता चला था, बहुत सही एक्शन फिल्म होगी. आएगी मैं भी थिएटर में हिरन के, तब बताऊंगा रिव्यू क्या है. उसको लोग कंपेयर करने लग गए एनिमल से. अरे मैं क्यों, जो एक्शन फिल्म बनाई है सबने पॉजिटिव रिव्यू दिए हैं. जितने भी ट्विटर में मैं देखता हूँ अकाउंट या जो मूवी रिव्यूज करते हैं, मैं कहा ट्रेलर देख के ही मुझे मालूम था ये बंदा ये फिल्म चलेगी क्योंकि एक्शन ही ऐसा बना है फाड़ू सा. मेरे को जॉन विक की ज्यादा यार, उसको कंपेयर करने की ज्यादा जरूरत है एनिमल के साथ. एनिमल में उतना था भी नहीं. मेरे को तो कबीर सिंह भी वैसी नहीं लगी थी. चलो ये लोग ही हवा बनाते हैं, पता नहीं वांगा से प्रॉब्लम क्या है. और वांगा तो है ही भाई, तुझे मेरा काम पसंद नहीं, मैं तेरी लेगा जवाब तो मैं देगा. बी लाइक अनुराग कश्यप. सही बात है, ऐसे स्टेटमेंट दो और फिर ऐसे बच के निकल जाओ. उन्होंने पता नहीं सोशल मीडिया या यूट्यूबर्स के बारे में कुछ बोला कि वो अच्छे एक्टर नहीं होते, बहुत कम ही होते जो अच्छे एक्टर होते हैं. तो इंडिया वाले ने बोला कौन कौन, तो उन्होंने भुवन बाम का नाम लिया. और मैं तो बोलता है कि भुवन भाई अपने यूट्यूब के शाहरुख खान है. यूट्यूब से जो भी निकला है ना, मतलब यूट्यूब में जितनी भी स्टारडम है उसमें मेरे को शाहरुख खान के दर्जे का लगते हैं भुवन भाई. अभी ऐसा मैं मानता हूँ, तुम डिफरेंट भी रख सकते हो. तो उस पर रिएक्ट किया भुवन भैया ने, भैया क्या मेरे से छोटी मेरे उम्र में बट दाढ़ी आती है ना इसलिए भैया. सही बात है. अरे आशीष की दाढ़ी आ गई यार, मेरी दाढ़ी क्यों नहीं आती, बस इतनी आती है यार, ऊपर भी बाल नहीं नीचे भी बाल नहीं. ऋषि ने भी कमेंट किया ना टकला, तुम वही हरामी है एलविश भाई बोलने वाले. अरे मैंने एक पोस्ट देखा था, मैं बताया भी दर्शाया तुम्हें कि किसी ने लिखा ये 4-5 फोटो पोस्ट देख रहे होगे तुम कि ये पीक पहुंच गया. मैं कहा जेल जाने के बाद कौन पीक पहुंचता है. लोग एलविश भाई को सलमान खान से कंपेयर करने लग गए. सलमान खान, मैं कहा सलमान खान की फिल्में चली हैं तेरे नाम के बाद से, क्या बकवास कर रहे हो. पहले तुम्हें कभी किसी का भाई किसी की जान पसंद आया था ना भाई, वो अपने काम से फेमस हुआ, कॉन्ट्रोवर्सी तो होती रही उसके साथ. बट एट द सेम टाइम उसका जो वर्क प्रोफाइल है वो भी देखो ना, टाइगर टाइगर जिंदा है, तेरे नाम हम दे चुके सनम, हम आपके है कौन. अभी कल रात को ही तो मैं जुड़वा देख रहा था. अबे और ये छोड़ो, ये तो फिर भी
कॉमन है क्योंकि इंसान इंसान की बात करते हैं। मेरे को उस पोस्ट के बाद कमेंट आई है, कृष्ण जी वो तो जेल में ही पैदा हुए थे, मैं कहा भगवान से कंपेयर कर रहे हो। सही है हमारे देश के हालात, हम और गंदा डिजर्व करते हैं, ऐसे बनने हैं ना जो हमारे फ्यूचर के लिए। मैं कहा मरो सालो तुम। और ये बहुत कॉमन स्टेटमेंट था मेरा जर्नलाइज वे से कि भाई तुम बाकी लोगों को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो सिर्फ अपने वाले को ऊपर दिखाने के लिए। तो मैंने बस ये केवल लाइन लिखी है और मैं इतना सोचा भी नहीं, साले हजार लाइक आ रखे इस पोस्ट पे। मैं कहा क्या चल रहा है इंटरनेट पे, सांप के नशे। चलो 8 मिनट हो गए तो मेरी किस्मत नहीं हुई तुम्हारी किस्मत, मैं चला खाना खाने, मिलता हूँ थोड़ी देर में, सॉरी तुम्हारे लिए तो कल हो जाएगा, वरना जाओ ज्ञानी पे देख लो वीडियो। Peace out.